की धरती आपकी मां है, इस धरती मां की जय, इसके हरे भरे बगानों की जय। हरे भरे बगानों में काम करती हुई सारी श्रमिकों की, जो सुबह से शाम तक कड़ी धूप में काम करती हैं, उनकी जय। इस प्रदेश की नदियों की जय, यहाँ की जाति जनजाति की जय, यहाँ की बहुरंगी संस्कृति की जय, यहाँ की मिट्टी की जय, जिसने आपको अपनी पहचान दी। ये वो मिट्टी है जिसने आपको अपना अस्तित्व दिया, ये वो मिट्टी है जिसमें श्रीमन शंकर देव जी जैसे महापुरुष पैदा हुए, जहां माधव देव जी जैसे महापुरुष पैदा हुए, अनजान फकीर जी पैदा हुए, लचित बोरफुकन जी पैदा हुए, जॉय मोती कोनवारी जी पैदा हुए, वीर चिलारे, स्वर्गदेव छुपका जी, छुकपा जी, गोपीनाथ बोरदलोय जी, और तमाम महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने आपकी धरती, आपकी संस्कृति, आपकी लोगों को एकजुट रखने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज यहाँ खड़े हुए मैं उन सब महापुरुषों का नमन करती हूँ और आपको याद दिलाती हूँ कि ये उनकी धरती है, और जो अस्तित्व आपका है उस अस्तित्व के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ा। यहाँ पे जब भाजपा के नेता आते हैं तो इन महापुरुषों के नाम नहीं लेते, उनको याद नहीं करते, क्योंकि भाजपा ने आज आपके अस्तित्व पर हमला किया है, असम के अस्तित्व पर वार कर रहे हैं। वे समझ नहीं पाए हैं कि आपकी इस मिट्टी ने आपको क्या दिया है और आप इस अस्तित्व पर कितना गर्व करते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि का को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने का को इंप्लीमेंट किया, उसे लागू किया। आपको याद होगा बहुत सालों पहले जब मेरे पिताजी राजीव गांधी जी ने असम का अकॉर्ड बनवाया था, उस समय हगरामा जी भी मौजूद थे, तो सबसे बड़ी बात क्या की थी, उन्होंने कहा था कि आप अपनी संस्कृति को बचा कर रखेंगे और आप पर केंद्र से कोई डिक्टेट नहीं करेगा। भाजपा ने इन 5 सालों में इसका विपरीत किया है। उनकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताती हूं। चुनाव से पहले आपको कहा कि जाति माति भेटी की रक्षा करेंगे, का को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 लागू होगा। फिर आपके वोट मिले उन्हें, आपने उन पर भरोसा किया। वोट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद संसद में उन्होंने का पास किया। जब आपके पास दोबारा आएंगे तो शायद कुछ और कहेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। आपने ये देखा है कि इन 5 सालों में जब जब आप पर संकट हुआ, आपने संघर्ष किया, तब यहाँ के प्रधानमंत्री आपके पास नहीं आए, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, उससे पहले कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे दौरे करने लगे। आपने लॉकडाउन में बहुत संकट सहा, बाढ़ भी आई, बाढ़ के समय भी बहुत आपत्ति आई, प्रधानमंत्री जी एक बार भी इधर नहीं आए, ना उन्होंने राष्ट्र आपदा घोषित किया, बाढ़ के लिए पैसा इकट्ठा किया, मगर ये पैसा आपको मिला नहीं। जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तब भी कोई यहां नहीं आया। जब टी ट्राइब संकट में थे, उस समय भी आपकी सुनवाई करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहां कोई नहीं आया।
लेकिन आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो प्रधानमंत्री जो अपने घर के 4-5 किलोमीटर दूर लाखों किसानों के आंदोलन के बावजूद अपने घर से निकल के उन किसानों से बात नहीं कर सकते, तो वो यहाँ आसाम की धरती पर आपसे बात करने क्यों आएंगे? उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि असम की चाय पर हमला हो रहा है। एक 21 साल की लड़की ने ट्वीट किया, उस वजह से ये कहते हैं कि असम की चाय, असम टी पर हमला हो रहा है। लेकिन खुद 5 सालों से असम की आइडेंटिटी पर हमला कर रहे हैं। आरएसएस, भाजपा के नेता लगातार हमला करते रहते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप रहे। देश भर में घूमकर इन्होंने काह की बात की, लेकिन आपकी धरती पर आकर काह की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जिस तरह से भारत सरकार और यहां की सरकार असम को देख रही है, जिस तरह से असम को आगे बढ़ा रही है, उससे न जाने असम का भविष्य क्या होगा। स्पेशल स्टेटस फंड बंद किया गया। मानिए कि भाजपा के लिए असम एक एटीएम मशीन की तरह है, जहां एनी टाइम मनी उनको मिल जाता है लेकिन जनता के पास नहीं जाता। पेट्रोल डीजल पर 90 रुपए देते हैं असम के, 70% टैक्स, लेकिन भारत सरकार की जेब में जाता है, आप तक ये पैसा नहीं पहुंचता। अगर आप इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखें, इनके उद्योग देखें, तो वही हाल है। इन्होंने आपको 25 लाख रोजगार देने की का वादा किया था, लेकिन 5 सालों में 80,000 रोजगार तक नहीं दिए। क्या किया, गुवाहाटी का हवाई अड्डा भी अपने दोस्तों को बेच डाला, ऑयल फील्ड्स बेच डाली। इनके हम दो हमारे दो का नारा है, और इस नारे में जोया यखोम का नारा डूब रहा है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, सब इनके बड़े उद्योगपतियों के मित्रों को बेच डाल रहे हैं। आपके हथकरघा यहां बहुत सुंदर खमोसे बनाते थे, खुराई बनाते थे, आज वो भी बाहर से आसाम में आ रहे हैं। आज तो मछली भी आंध्र प्रदेश से यहां आ रही है, ये स्थिति है। आपके साथ पूरी तरह से धोखा किया गया है। और मैं जानती हूं कि मंच पे खड़े हुए नेताओं पर आपका भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बार बार चुनाव में आपके सामने अलग अलग पार्टियां आके बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, घोषणाएं करने के बाद चुनाव होने के बाद चले जाते हैं और जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं करते। इसीलिए आज आपके सामने खड़े हुए हम खोखले वादे करने नहीं आए हैं। आपने सुना होगा कि कुछ समय से कांग्रेस के सारे नेता असम भर में भ्रमण कर रहे हैं। वहां उन्होंने जो जो समस्याएं सुनी, उन समस्याओं के आधार पर और इस बात के आधार पर कि नेताओं और जनता के बीच भरोसा टूट रहा है, उन्होंने ये तय किया है कि आपको वादे नहीं लेकिन 5 गारंटी देंगे। वो 5 गारंटी क्या है? वो 5 गारंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो काह के ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहां पे काह लागू नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली है। दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। तीसरा गारंटी कि जो मेरी बहनें घर संभालती हैं, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और सबका देखभाल करती हैं, जिनको आज तक पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला, उन बहनों को
₹2,000 हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। चौथा गारंटी यह है कि देखने दीजिए कि चाय के बगान में गई थी मैं आज सुबह, चाय के बगान की महिलाओं से जब मैं मिली तो उन्होंने अपने हाथ दिखाए मुझे कि यहां से उनकी उंगली, यहां से उनकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई हैं। सुबह से शाम तक धूप में काम करती हैं, कोई सुविधा नहीं है और मात्र उनको ₹167 मिलते हैं। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बगान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको ₹365 का वेतन मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपको पहले भी इस तरह के वादे किए गए और मुझे मालूम है कि जिन्होंने कहा था कि 350 का वेतन मिलेगा उन्होंने सिर्फ पिछले हफ्ते चुनाव से पहले 217 का वेतन आपको वादा किया है कि मिलेगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जानती हूं कि आपकी उम्मीद कम है, लेकिन यहां खड़े हुए मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये वादा नहीं आपको गारंटी होगा कि आपका वेतन ₹365 आपको हर रोज मिलेगा। पांचवा जो गारंटी है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 5,00,000 सरकारी नौकरियां बनेंगी। अब ये गारंटी जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं कहे हैं, एक पूरी टीम बैठी है, उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की हालत देखी है, ये सब आंकड़े पड़े हैं और एक पूरी योजना बनाई है जिसके तहत आप सबको ये गारंटी मिल रही है। तो जब हम कहते हैं कि चाय के बगान में आपको 365 का वेतन मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चाय बगान चलाते हैं, जो कंपनियां हैं, उनका नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां देती हैं उसके अलावा सरकार आपको मदद करेगी ताकि आपके कुल मिलाकर ₹365 हों। तो आपने देखा है कि प्रदेश में क्या परिस्थितियां हैं। मैं दिल्ली से आई हूं, कल से घूम रही हूं और सबसे मिलकर समस्याओं को सुनकर यहां की बेहद बेरोजगारी को देखकर बहुत दुख होता है। यहां के बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं, आजकल चीनी और जापानी ग्रीन टी भी पीने लगे हैं, शायद असम टी यहां की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उनकी जगह क्या है, कि जो नेता आपके सामने आकर वादे करता है उन वादों को निभाना उसका धर्म होता है। कोई भी नेता इस मंच पे ये खड़ा नहीं हो सकता अगर आपने नहीं खड़ा किया, कोई भी नेता सफल नहीं हो सकता अगर आपका समर्थन नहीं हो। इसीलिए यहां खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व, अपने अधिकारों की लड़ाई हमेशा जारी होनी चाहिए। आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है वो आपका वोट है, उसको भूलिए मत, सोच समझ के डालिए। आप इस चुनाव में असम के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, किसी कांग्रेस पार्टी, भाजपा, कोई और पार्टी के लिए नहीं है ये चुनाव, ये असम के लिए चुनाव है, ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, किस लिए? किस लिए मेहनत करते हैं? ताकि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बने, ताकि आप उनको बड़े होकर वो कुछ बने, उनको आप कुछ दे पाए। तो ये जो उम्मीदें रखते हैं आप सरकार से कि वो आपके लिए काम करे, कि वो बच्चों को रोजगार दिलवाए, शिक्षा दिलवाए, आपको चिकित्सा के लिए अस्पताल दिलवाए, आपको सही वेतन दिलवाए,
ये आपके भविष्य की उम्मीदें हैं, इनको भूलिए मत। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारी तादाद में महाजोट को जिताइए। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में हगरामा जी जैसे नेता भी हमसे जुड़ गए हैं। ये इसलिए जुड़ रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है कि असम के अस्तित्व का चुनाव है। आपको कोई रिमोट कंट्रोल का सीएम नहीं चाहिए, आपको ऐसी स्थिति नहीं चाहिए कि आपको पता नहीं कि एक सीएम है, दो सीएम है, या अनेक सीएम है, या फिर रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति नहीं चाहिए कि स्टेट गेस्ट हाउस में बैठे हुए आपके सीएम चुनाव का प्रचार करा रहे हैं। आपको एक सीएम चाहिए, एक मजबूत नेता, एक मजबूत पार्टी जो असम के अस्तित्व को मजबूत करे, जो असम के लिए निरंतर काम करे और आपके भविष्य के लिए दिन रात काम करे। इसीलिए ये कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ आपने बहुत बहुत इंतजार किया, थक भी गए होंगे, घर लौटना भी है, तो आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ के महाजोट गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए। जय हिंद, जय आई अहम, जय आई अहम, जय आई अहम। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।